गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। सब मजे में होगे यार, एंजॉय कर रहे होगे फेस्टिव सीजन। एंड हियर आई एम अगेन विद अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल हॉल। लास्ट मैंने जो हॉल बनाया था ना, वो हॉल एडिट करने के बाद मुझे लगा यार थोड़ी सी कुछ कमी है, इतने फेस्टिव कलर्स नहीं है, इतना ब्राइट नहीं है। सो उसी टाइम मैंने 18 सूट्स ऑर्डर करे, तो मैंने सोचा दो पार्ट्स बनाऊंगी क्योंकि 18 सूट्स का एक हॉल बहुत लंबा हो जाता है। मैंने सारे कलरफुल एंड ब्यूटिफुल 18 सूट्स मंगाए हैं। आई एम श्योर यू गाइज विल लव देम। सारे कलरफुल हैं, बिल्कुल फेस्टिवल्स के लिए। यू गाइज कैन यू नो बाय दिस फॉर करवा चौथ, दिवाली, उसके बाद शादियों का सीजन तो आ ही रहा है। सो येस, लेट्स स्टार्ट टूडेज हॉल। इफ यू गाइज आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई मेक वीडियोज रिगार्डिंग स्किन केयर, हेयर केयर एंड फैशन हॉल्स। अगर आपको ऐसी वीडियोज देखना पसंद है, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद वन ऑफ द वेरी ब्राइट सूट आई हैव, बहुत प्यारा, बिल्कुल फेस्टिव वाइब। इस बार ना मैं बिल्कुल ऐसे सिंपल या कुछ इस टाइप का नहीं लेके आई हूँ, सारे बहुत ब्राइट ब्राइट कलर्स लेके आई हूँ। सो आई एम श्योर आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है सबसे पहला सूट, जो कलर इसका इतना ब्राइट है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा प्रिटी डार्क पिंक कलर है। नेक में भी बहुत अच्छा इसका वर्क है, इसको आप फॉर श्योर कंसिडर कर सकते हो अभी करवा चौथ के लिए, या आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो दिवाली के लिए भी। इसका दुपट्टा भी बहुत प्रिटी है ऑर्गेन्जा का। सी इसका बॉर्डर देखो, दुपट्टे का कितना ज्यादा सुंदर है, बहुत ही प्रिटी दुपट्टा है। इन सूट्स को ना देखो, एक तो मीशो में मुझे इतने सुंदर सुंदर सूट्स बहुत अफोर्डेबल मिल जाते हैं, सारे अंडर 1000। तो गिफ्टिंग पर्पज से भी, जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, गिफ्टिंग पर्पज से भी मुझे बहुत सही लगते हैं, क्योंकि देखो इतने सुंदर सुंदर सूट्स, अगर आप ऐसे इतने हैवी वर्क वाले, इतने प्यारे प्यारे दुपट्टे वाले अगर आप सूट्स मार्केट में देखो ना, तो आपको नहीं मिलने वाले इतने तक के, फॉर श्योर नहीं मिलने वाले। ये है इसकी पैंट, जो पैंट है वो बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई वर्क नहीं है, बट यू नो सूट में और दुपट्टे में अच्छा खासा वर्क है। एंड कलर इतना ब्राइट है, तो काफी अच्छा ब्राइट फेस्टिवल कलर है, एंड बहुत ही अच्छा लुक भी आ रहा है इसको पहन के। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, अगेन अ वेरी ब्राइट कलर एंड फेवरेट कलर ऑफ फेस्टिवल, विच इज रेड। रेड में भी कुछ डिफरेंस है सूट है, मतलब बहुत प्रिटी है। इसका नेक मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, थोड़ा डीप है नेक बट सेक्सी है। सो दिस इज द नेक एंड दिस इज स्लीव्स और नेक में सिमिलर सा आपको लेस है, बाकी पूरा सूट में सिंपल ये छोटे छोटे बूटी बनी हुई है। एंड दिस इज द सूट एंड दिस इज द दुपट्टा। इसका दुपट्टा बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, साइड में लेस है एंड दोनों तरफ लेस है। दिस इज द ब्यूटिफुल दुपट्टा इसके साथ का। एंड दिस इज द पैंट, पैंट के बॉटम में भी इसमें लेस लगा हुआ है। सो ये ना मतलब बहुत ज्यादा कड़ा वड़ा नहीं है, बट फिर भी बहुत ज्यादा प्रिटी है, क्योंकि इसके नेक में और स्लीव्स में दुपट्टा इसका बहुत ज्यादा प्यारा है। सो यस, दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल रेड सूट, और थोड़ा सा डिफरेंट भी है लगा मुझे इसके दुपट्टे और इसके वी नेक की वजह से। सो यस, दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी प्रिटी सूट, जिसको आप फिर से करवा चाहते दिवाली के लिए कंसिडर कर सकते हैं, किसी भी और फेस्टिवल या शादी के लिए भी। नाउ अगेन रेड, सी रेड कलर, हमारे पास कलर और भी है, बट ठीक है पहले हम रेड देख लेते हैं, क्योंकि रेड ज्यादा पहना जाता है फेस्टिवल्स में। मैं फटाफट भी दिखा रही हूँ ताकि हॉल बोरिंग ना हो जाए। सो दिस इज द थर्ड वन, अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सूट यार। इसका डिजाइन देखो नेक में कितना ज्यादा प्रिटी है ना, फिर ये नीचे से पूरा इस तरह से लूज है। दिस इज द नेक, बहुत ज्यादा प्रिटी है नेक। अगेन दुपट्टा भी इसका बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर लगा मुझे इसका दुपट्टा भी, ठीक है। और ये है इसकी पैंट, पैंट पे भी नीचे से लेस लगी हुई है, कैन पैंट भी बहुत ज्यादा सुंदर है। सो दिस इज द नेक्स्ट सूट, मतलब ये मुझे इतना अच्छा लगा अभी करवा चौथ के लिए, दिवाली के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। कलर भी ब्राइट है, थोड़ा सा ये भी थोड़ा डिफरेंट है, इसका नेक मतलब प्लेन सूट जैसा नहीं है, इसका नेक ऐसा है एंड दुपट्टा भी काफी ज्यादा प्यारा है। सो यार दिस वॉज द नेक्स्ट वन, अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सूट। आई एम श्योर आप लोग को अच्छा लग रहा, अच्छे लग रहे हो सूट्स। नाउ लेट्स सी, चलो अब इसे देख लेते जो मैंने पहना है एक और अपने पास, क्योंकि रेड भी है। सो दिस इज द नेक्स्ट वन, इसका भी नेक इतना ज्यादा प्रिटी है, इसका दुपट्टा ऑर्गेंजा का है, अगेन बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है दुपट्टा इसका। सो या दिस इज द नेक्स्ट वन, ये है इसकी पैंट, पैंट का कलर देखोगे तो थोड़ा सा ऐसे बहुत हल्का है, तो वो एक
थोड़ा सा हल्का है तो वो अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा यू नो कंट्रास्ट लग रहा है लाइट एंड डार्क का, बट द सूट इज सो ब्यूटिफुल। ऑर्गेंजा सा इसका प्रिंट है, ऑर्गेंजा वाला कपड़ा है, नेक में बहुत अच्छा वर्क है, यू नो दुपट्टा भी बहुत ज्यादा सुंदर है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड सुंदर सा सूट, यू गाइस कैन अगेन कंसिडर फॉर दिस फेस्टिव सीजन, क्योंकि दिवाली और करवा चौथ ही नहीं है ना, दिवाली वो तो पूरा वीक ही चलता है, मतलब लोग कभी लोगों का आना जाना रहता है, कभी हमें लोगों के घर जाना होता है, तो ठीक है उस टाइम पे भी हमें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए ही होते हैं, तो इंसान इस टाइम पे दो चार सूट्स की शॉपिंग तो कर ही लेता है। सो यस यू गाइस कैन यू नो फाइंड इसमें से कुछ अपने लिए। सो नाउ लेट्स सी अगेन अ रेड कलर सूट, ठीक है और कलर्स भी है यार, रेडी रेड मत सोचना, बट रेड ज्यादा पहनना चाहते हो तो रेड ज्यादा है। सो दिस इज द नेक्स्ट वन, ये भी वो पहन के बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है, इसका भी दुपट्टा इतना सुंदर है, नेक है इसका बहुत ज्यादा सुंदर, फिर बाकी पूरा सूट प्लेन है, एंड दिस इज द दुपट्टा। दुपट्टा इसका मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा, बहुत ही ज्यादा ही प्यारा लगा, थोड़ा सा क्योंकि डिफरेंस है दुपट्टा है इसका, जैसे कलर रेड से थोड़ा हटके जैसे ऑरेंज ऑरेंज में है, एंड साइड में लेस लगी हुई है। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल सूट, इसकी जो पैंट है वो बिल्कुल प्लेन है, पैंट में कोई वर्क नहीं है, तो सिंपल सी पैंट है, नेक में ही इसके जितना वर्क है वो नेक में ही है, एंड दुपट्टा, दुपट्टे की वजह से ये सूट बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब दुपट्टे ने इसकी नो सारा चार्म ले लिया है। सो दिस इज द नेक्स्ट अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सूट जो आप फिर से कंसिडर कर सकते हो फेस्टिवल सीजन के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, अब चलो दूसरे कलर पे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ सूट पर्पल कलर का, अभी हमारे येलो और ब्लू और है, तो लेट्स सी दिस। ये भी बहुत प्रिटी सूट है, ये ना मतलब जैसे मैं सारी सूट पहनती थी, इसको मैंने लास्ट में पहना, मैंने मुझे लगा कि पर्पल थोड़ा डार्क, पता नहीं फेस्टिवल्स में तो चलेगा या नहीं चलेगा, बट पहन के मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मुझे ऐसे रियलाइज हुआ यार जो ऐसे डार्क कलर्स होते हैं ना वो अच्छे ही लगते हैं, चाहे वो पर्पल हो चाहे वो रेड हो चाहे डार्क पिंक हो कुछ भी हो, तो ये भी कलर पहन के इतना ज्यादा अच्छा था, तो ये पर्पल पहन के बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगा, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई। सो दिस इज द सूट, ऐसे नेक पे वर्क है, छोटे छोटे बूटे बने हैं पूरे सूट में, एंड इसका दुपट्टा भी बहुत सॉफ्ट है बट इजी टू कैरी है, इस टाइप के जो दुपट्टे होते हैं ना बहुत इजी होते हैं, मतलब ऐसे फिसलते नहीं रहते जैसे ऑर्गेंजा वाले होते हैं ना, ये मैं हमेशा पिन अप करके पहनती हूँ क्योंकि ये थोड़े गिरते फिसलते हैं, क्योंकि ऑर्गेंजा कपड़ा ऐसा होता है ना बहुत फिसलन सा होता है, तो ये पिन अप करके पहनने पड़ते हैं ताकि फिक्स रहे परेशानी ना हो, बट ये कपड़े ये वाले दुपट्टे इतने लाइट से होते हैं कि बहुत ज्यादा इनको कैरी करने में दिक्कत नहीं होती। सो दिस इज द पैंट, पैंट बिल्कुल प्लेन है इसका, जितना लुक है वो कुर्ते एंड दुपट्टे में ही है, पहन के ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ब्राइट लग रहा है, ब्राइटनेस की वजह से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज अ ब्यूटिफुल येलो कलर सूट, ये ना येलो कलर फेस्टिवल्स में पहना ही जाता है, मतलब येलो कलर तो चलता ही है फेस्टिवल्स, रेड एंड येलो तो काफी कॉमन कलर होते हैं। सो दिस इज अ येलो सूट जो दिखने में आपको बिल्कुल ऐसे प्लेन सा लग रहा हो सकता है, बट ये पहन के इसकी फिटिंग एंड एवरीथिंग इज लुकिंग सो नाइस, काफी प्यारा लग रहा है, इसका कपड़े में शाइन है तो वो भी काफी प्यारी लग रही है, इसका दुपट्टे में साइड में लेस लगी हुई है, प्लेन सा दुपट्टे में लेस लगी है, जितना वर्क है कुर्ते में सारा नेक में ही है, बाकी प्लेन है, एंड इसका जो पजामा है पजामा भी बिल्कुल प्लेन है, पजामा में भी कोई वर्क नहीं है, जो वर्क है इसके नेक में है, दुपट्टे के साइड में लेस में है, तो पहन के ना जितना ही सिंपल दिखने में लग रहा है उतना ही सुंदर पहन के लग रहा है, क्योंकि इसकी फिटिंग है ना, इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ब्राइट कलर है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, एंड पहन के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। दुपट्टे को आप चाहे साइड से कैरी करो, चाहे ऐसे ही कैरी करो, चाहे बैक से ऐसे फ्रंट लाके कैरी करो, वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब साइड में लेस वाले दुपट्टे हम बैक से आगे कैरी करते हैं ना, तो साइड में जो लेस आती है फिर नेक का डिजाइन, वो तीनों आपस में पैरेलल चलते हैं ना, तो बहुत ज्यादा सही लगते हैं मुझे तो जब मैं ऐसे लेस वाले दुपट्टे पहनती हूँ साइड से, तो अक्सर मैं उनको पीछे से आगे को कैरी करती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा सही लगते हैं। नाउ लेट सी द लास्ट वन, इसका जो सारा लुक है ना वो दुपट्टे में बहुत ही मतलब अमेजिंग ही है। सो दिस इज द नेक्स्ट सूट, इसकी फिटिंग बड़ी सही है, मतलब ये पर्पल ब्लू में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, बट जिस चीज में डाउट होता है वो चीज पहन के बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो ये आज मेरा 1x पे चल रही है, बिल्कुल सॉरी 1.5x में चल रहा है स्पीड में हॉल है ना। सो दिस इज द नेक्स्ट वन, इसके नेक में वर्क है, इसके स्लीव्स में वर्क है, बाकी प्लेन है, एंड
पैंट में बस नीचे से है। अब देखो इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा, दुपट्टे की वजह से इतना ज्यादा प्रिटी लग रहा है, पूरे सूट में मतलब लुक ही चेंज कर दिया दुपट्टे ने, है ना। लाइट ब्लू कलर का दुपट्टा है, काफी प्यारा फ्लोरल प्रिंटेड है दुपट्टा, किसी और के साथ भी कैरी कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सो दिस इज द लास्ट वन, इसके जो सारा लुक है ना वो दुपट्टे में, इसको आप आगे पीछे वाले डेज में कैरी कर सकती हो, अगर चाहो तो दिवाली में भी कर सकते हो, बट अगर आपको कुछ हैवी पहनना है दिवाली में, आगे पीछे वाले दिन में आप इसे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि दिखने का बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, पहन के भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्राइट कलर तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, एंड दुपट्टे का जो कंट्रास्ट है ना, से लाइट एंड डार्क कलर जब आपस में कंट्रास्ट होगी एक चीज में पहने हो ना, तो वैसे भी थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सो दिस इज द लास्ट वन, आई होप यू एंजॉयड द हॉल, आप लोग को ये ब्राइट सूट अच्छे लगे हो, इफ यस डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड जैसे मैंने बताया था, मैंने 3 सूट्स ऑर्डर किए थे, तो 9 हमने अभी देख लिए, 9 हम अगले हॉल में देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। एक तो दिन में नेक्स्ट हॉल भी मैं अपलोड कर दूंगी, जो आपको दिवाली के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, या उसके बाद शादी वाले सीजन में भी यूजफुल रहेगा। सो यार स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।